हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इमेज और वीडियो को ट्रांसफर कर सकते हो फ्रेंड आईफोन टू आईफोन। और फ्रेंड, अगर आप व्हाट्सएप को यूज करते हो डाटा ट्रांसफर करने के लिए फ्रेंड, उसमें आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है फ्रेंड, क्योंकि उसमें पहले आपको डाटा को आप अपनी जैसे इमेज को और वीडियो को आप पहले डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद फ्रेंड अपने व्हाट्सएप से सेंड करते हो किसी अनदर पर्सन को, उसमें आपको काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। पर मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको बिना व्हाट्सएप में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हुए अपने आईफोन से आईफोन में अगर आप वीडियो का भी कोई भी इमेज भेजोगे तो उसकी क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल सेम रहेंगे, क्योंकि आईफोन में इनबिल्ट फंक्शन होता है आईफोन टू आईफोन ट्रांसफर डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो फ्रेंड, कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरे आईफोन की स्क्रीन आप देख सकते हो, मैं सबसे पहले अपने ऐप से अपने इस वाले फ़ोन में भी इमेज ट्रांसफर करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं अपनी गैलरी में आ जाता हूँ, ये रहे फोटोज़, और यहाँ से मैं कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसमें यहाँ से ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे शेयर पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने ये एयर ड्रॉप का ये ऑप्शन आएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको दूसरे वाले फ़ोन में जैसे जिस फ़ोन में आप भेजना चाहते हो उसका पहले आपको एयर ड्रॉप ऑन कर लेना। उसके लिए फ्रेंड्स, आपको नीचे से स्लाइड करना है, आपको इसके ऊपर टैप करना है इस वाले फोल्डर के। इसके ऊपर आपको 6 आइकन मिलेंगे, आपको ये वाला आइकन दिख रहा हो एयर ड्रॉप रिसीव, इसका ऑफ है, इसको आपको फ्रेंड ऑन कर देना है। यहाँ से एवरी वन फॉर 10 मिनट्स के लिए आपको इसे ऑन कर देना है और आपको इसे कर देना है, बिल्कुल होम स्क्रीन पर आ जाना है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे इस वाले फ़ोन से आपको एयर ड्रॉप पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ से करना है टर्न ऑन वाईफाई यानी ब्लूटूथ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रोहित आईफोन, ये इस फ़ोन का नाम है, तो उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे वेटिंग मेरी आ चुकी है, यहाँ पे देख रहे हैं वेटिंग। और अब फ्रेंड्स, इस वाले फ़ोन में एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगी, जैसे आपको ब्लूटूथ में आती है एक्सेप्ट और डिक्लाइन वाली। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक्सेप्ट और डिक्लाइन वाली आ चुकी है, तो मैं ऐसे यहाँ से एक्सेप्ट कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे जो इमेज वो यहाँ से जा चुकी है और यहाँ पे भी आ चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरीके से फ्रेंड्स, आप इस फोन से भी इस फोन पे यहाँ से भेज सकते हो बड़ी आसानी से। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि कितनी आसानी से आपने डाटा ट्रांसफर कर लिया आईफोन टू आईफोन। आप भी इस एयर ड्रॉप की मदद से अपने डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।